Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. ये थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्होंने दिसंबर 2022 में कार्यक्रम में कहा था, अगर आप अपने अहाते में सांप पालोगे, ये आपको भी काट सकता है। जयशंकर ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर सबको मालूम था कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। हालांकि कोई था जिसने नाम लेने से परहेज नहीं किया था। जयशंकर से 11 बरस पहले हिलरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में बोला था, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स, माने आप सांप पालकर ही उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा। उस वक्त हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री हुआ करती थी। पाकिस्तान ने उनकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। आतंकियों को पालना और उनके सहारे अपना हित साधना उसका पुराना शगल रहा है। तहरीके पाकिस्तान, तालिबान, टीटीपी, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद जैसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। टीटीपी तो लिटरली पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है। इस लिस्ट में शामिल एक और नाम चर्चा में आया है। ये हुआ 16 जनवरी 2024 को, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ। हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली, कहा हमने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को उड़ाया है। ये गुट ईरान पर हमले के लिए कुख्यात रहा है। इसका बेस ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे इलाकों में है। ईरान ने पहले भी कई दफा पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो जैश अल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान नहीं माना, फिर भी ईरान उसकी सीमा में हमला करने से बच रहा था। 16 जनवरी को उसने सीमा पार कर दी। पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा की है, बोला ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, करारा जवाब इसका मिलेगा। एक दिलचस्प बात यहाँ हम आपको बताते हैं, जिस वक्त ईरान की फौज हमले की तैयारी कर रही थी, पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर ईरान के विदेश मंत्री से हाथ मिला रहे थे। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, जैश अल अदल की असली कहानी क्या है और क्या ईरान और पाकिस्तान भिड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पाकिस्तान पर हमले की। आज के दिन पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग की आशंका जताई जा रही है, मगर एक समय तक दोनों एक दूसरे के लंगोटिया दोस्त हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच लगभग 909 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका निर्धारण 1950 के दशक में आपसी सहमति से हुआ था। ये सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से अलग करती है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था भारत से अलग होकर। उसी रोज ईरान ने पाकिस्तान को मान्यता दे दी थी, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। फरवरी 1955 में नेटो की तर्ज पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। पाकिस्तान और ईरान दोनों इसके मेंबर्स थे। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, इसमें ईरान ने पाकिस्तान की मदद की। 1965 के युद्ध में पाक फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान भाग जाते थे, वहाँ उन्हें शरण मिलती थी और ईरान उन जेट्स में ईंधन भी भरता था। रेजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की कुर्सी चली गई, फिर इस्लामी रिपब्लिक की स्थापना हुई, पाकिस्तान मान्यता देने में आगे रहा। फिर 1980 में ईरान इराक जंग शुरू हुई, तब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इसी समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा, मुजाहिदीनों ने जंग शुरू की, उन्हें पाकिस्तान का साथ मिला। पैसा अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी इस्लामी देशों से आया। मुजाहिदीनों की मदद ईरान ने भी की, मगर ताजिक मूल के लोगों की। 1980 का दशक बीतते बीतते ईरान इराक युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। फिर अफगानिस्तान में नई लड़ाई शुरू हुई, मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे, पाकिस्तान ने उनको साधने की कोशिश की। वो अफगानिस्तान में किंग मेकर की भूमिका हासिल करना चाहता था, बात नहीं बनी तो तालिबान बनाने में मदद की। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान सुन्नी इस्लामी गुट है, उसने शिया मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू किया, इससे ईरान नाराज हुआ। उसने अहमद शाह मसूद के नदन अलायंस को सपोर्ट किया, मसूद को भारत का भी साथ मिला। फिर 1998 में मजार शरीफ में 11 ईरानी नागरिकों की हत्या हो गई, इनमें से 8 डिप्लोमैट्स थे। ईरान ने आरोप लगाया तालिबान पर, अफगान बॉर्डर पर 3 लाख की फौज उतार दी। बाद में किसी तरह ये मामला शांत हुआ। चूंकि तालिबान के पीछे पाकिस्तान था, इसलिए तनाव का असर ईरान के साथ रिश्तों पर भी पड़ा। फिर आई 11 सितंबर 2001 की तारीख, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की।
तालिबान को सत्ता से हटा दिया। इसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ था, उसको खुद को तालिबान से अलग दिखाना पड़ा। इस घटनाक्रम ने ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका को एक कतार मिलाकर खड़ा कर दिया। कुछ समय तक ईरान ने वॉर ऑन टेरर को भी सपोर्ट किया, मगर अमेरिका के साथ उसकी पुरानी रंजिश यहाँ भारी पड़ी, ईरान अलग हो गया। वॉर ऑन टेरर खत्म अगस्त 2021 में हुआ। तालिबान की सत्ता में वापसी हुई, उसने वादा किया कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इस बार भी तालिबान को पाकिस्तान का साथ मिला, मगर ये उसकी भूल थी। मसलन तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के लीडर्स को शरण दी। TTP को पाकिस्तान आतंकी संगठन मानता है। इस गुट ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं, इसको लेकर पाकिस्तान नाराजगी जता चुका है, अफगानिस्तान में हमले की धमकी भी दे चुका है, मगर अफगान तालिबान ने उल्टा पाकिस्तान को ही लताड़ दिया। तालिबान की वापसी का असर ईरान पर भी पड़ा। अफगानिस्तान के साथ उसकी 972 किलोमीटर लंबी सीमा है। ईरान के चरमपंथी संगठन को अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह मिल रही है। वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड की तरह करते हैं, इसको लेकर कई बार झड़प हो चुकी है। इसमें कई ईरानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों की मौत भी हुई है। ईरान जो इल्ज़ाम अफगान तालिबान पर लगाता है, उसी आधार पर पाकिस्तान को भी लताड़ता है, आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाता है। हालांकि यहाँ पर मामला दो तरफा है, पाकिस्तान भी ईरान पर चरमपंथियों को उकसाने का इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों में बड़ी संख्या में बलूच आबादी रहती है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में, जबकि ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान में। पाकिस्तान वाले हिस्से में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसे गुट एक्टिव हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि इन्हें ईरान से पैसा और सपोर्ट मिलता है। ईरान वाले हिस्से में जंदुल्ला और जैश अल अदल जैसे गुट काम करते हैं। ईरान का आरोप है कि उनको पाकिस्तान से साथ मिलता है। जानकार कहते हैं दोनों देश एक दूसरे के चरमपंथी गुटों का इस्तेमाल अपने हितों के हिसाब से करते रहे हैं, इसका पुराना इतिहास रहा है। नतीजतन पाकिस्तान ईरान के सीमाई इलाकों में हिंसा बढ़ी है। हाल के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जनवरी 2023 में बलूचिस्तान में एक हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। तत्कालीन पाक PM शहबाज शरीफ ने ईरान को ध्यान रखने की चेतावनी दी थी। अप्रैल 2023 में बलूचिस्तान में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में पाक फौज के 4 जवान मारे गए। इसके एक महीने बाद बॉर्डर पर हमले में ईरान के 6 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी। दिसंबर 2023 में ईरान के रस्क में पुलिस पर हमला हुआ, इसमें 11 पुलिस वाले मारे गए। तब ईरान के गृहमंत्री ने पाकिस्तान को जैश अल अदल पर लगाम लगाने के लिए कहा था। और फिर आई 16 जनवरी 2024 की तारीख, जब ईरान ने बिना वार्निंग दिए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी कर दी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए। ईरान ने दावा किया कि हमला सफल रहा है। जैश अल अदल की कहानी अब आपको बताते हैं। जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। ये ईरान में आत्मघाती धमाकों, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि DNI की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस गुट की शुरुआत हुई थी 2002 या 2003 में। जुंदल्ला के नाम से संस्थापक अब्दुल मलिक रिगी था। उसके विद्रोह का मकसद था ईरान से आज़ादी। 2010 में रिगी पकड़ा गया, उसको मौत की सजा मिली। रिगी की मौत के बाद जुंदल्ला अलग अलग गुटों में बट गया। इसमें से सबसे पावरफुल गुट बना जैश अल अदल। अब इसका लीडर अब्दुल रहमान मुल्लाजादे उर्फ सलाउद्दीन फारूकी है। ईरान का दावा है कि इस गुट को अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और UAE से पैसा मिलता है। दिलचस्प ये है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी जैश अल अदल को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बलूचिस्तान में हमले पर पाकिस्तान क्या बोला, इस पर भी बात कर लेते हैं। उसने हमले की कड़ी निंदा की है, कहा यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, इसका अंजाम बुरा होगा और पूरी जिम्मेदारी ईरान की होगी। आरोप लगाया कि हमले में 2 बच्चों की मौत हुई जबकि 3 लड़कियां घायल हुई हैं। पाकिस्तान सरकार ने ईरान के प्रतिनिधि को तलब किया है, राजदूत अभी ईरान में ही है, अगली सूचना तक उनके लौटने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। 17 जनवरी को पाक विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। ईरान सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, हालांकि सरकारी मीडिया हमले का जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले की टाइमिंग भी बेहद दिलचस्प है। ये एक ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहान से मीटिंग कर रहे थे। 16 जनवरी को ही पाकिस्तान और ईरान की नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। इसके अलावा दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच कुछ और मीटिंग्स शेड्यूल थी। इनमें बॉर्डर सिक्योरिटी और दोनों देशों में स्थिरता जैसे मसलों पर बात होनी थी। और क्या रिएक्शंस आए हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं दुखी हूँ, यह हमला दोनों देशों की दोस्ती के लिए धब्बा है।
चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। सुनिए, 我们认为伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是伊斯兰大国。我们呼吁双方保持克制，避免采取导致局势紧张升级的行动，共同维护地区的和平和稳定。 ईरान के हमले की वजह क्या है, अब इस पर बात करते हैं। ईरान पिछले दो दिनों से दूसरे देशों में अटैक कर रहा है। 15 जनवरी को उसने इराक और सीरिया में बमबारी की। कहा कि हमले में मोसाद के अड्डों और इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाया गया। सीरिया में तो ईरान के समर्थन वाली सरकार चलती है। वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन इराक ने नाराजगी जताई। उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया। सीरिया और इराक में ईरान की बमबारी को अमेरिका और इसराइल के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका और इसराइल पिछले कुछ समय से ईरान समर्थित गुटों पर हमले कर रहे थे, तब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की असली वजह पता नहीं चल पाई है। ईरान बरसों से जैश अल अदल जैसे संगठनों से परेशान है। वो पाकिस्तान पर इन गुटों को पालने पोसने के आरोप पहले भी लगाता रहा है, मगर कभी सीमा में घुसकर हमला उसने नहीं किया था। पाकिस्तान के पास 5 बड़े रास्ते हैं। पहला, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ सकता है। दूसरा, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस विवाद को सुधार सकता है। तीसरा, ईरान के तर्क से ही ईरान पर हमला कर सकता है, हालांकि ये जंग का खुला ऐलान होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पहले से जूझ रहा है, वो तीसरा फ्रंट खोलने की स्थिति में नहीं है। चौथा रास्ता खुली जंग से होकर जाता है, मगर उसकी आर्थिक स्थिति जंग की इजाजत नहीं देती है। पांचवा रास्ता है ईरान के प्रतिद्वंदियों मसलन अमेरिका और इसराइल से दोस्ती बढ़ाए और उनके जरिए ईरान पर दबाव डाले, मगर वेस्ट के साथ जाने में दिक्कत यह है कि चीन की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। यानी फिल वक्त पाकिस्तान बड़ी दुविधा में फंस गया है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको लल्लन टॉप पर लगातार बताते रहेंगे। पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, दो ज़रूरी अपडेट्स जान लेते हैं। पहला अपडेट सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने कहा कि उनका देश इसराइल को मान्यता दे सकता है। हालांकि उन्होंने एक ज़रूरी शर्त भी यहाँ पर बताई। क्या? फिलिस्तीन देश की स्थापना। फरहान बोले, क्षेत्रीय शांति का मतलब इसराइल के लिए भी शांति है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब फिलिस्तीनियों के लिए भी शांति कायम हो। उसका एक ही रास्ता है कि फिलिस्तीन एक देश बने। इसके लिए हम अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। ये गाजा के संदर्भ में और प्रासंगिक हो जाता है। गाजा में युद्धविराम ही शांति का पहला कदम होगा और शांति फिलिस्तीनियों के लिए न्याय से ही आ सकती है। इसराइल हमास जंग शुरू होने से पहले सऊदी अरब और इसराइल डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। मामला अंतिम चरण में था, मगर जंग के चलते ठंडे बस्ते में चला गया। एक थ्योरी भी चलती है कि डील को पटरी से उतारने के लिए ही ये हमला कराया गया। इशारा ईरान की तरफ था, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अरब डे वन से कह रहा है कि जब तक फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश नहीं बनता, तब तक वो इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। कमोबेश यही बात प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भी कही, लेकिन ये होना मुश्किल नजर आता है। इसराइल की मौजूदा सरकार में दक्षिण पंथ का प्रभाव ज्यादा है, वे फिलिस्तीनियों को ज्यादा रियायत देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में ये डील थोड़ी मुश्किल साबित होगी। ऊपर से सऊदी अरब पर मुस्लिम देशों का प्रेशर भी है। पिछले कुछ बरसों से बहरीन और यूएई जैसे देशों ने इसराइल को मान्यता दी है, सऊदी अरब की भी यही मंशा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई मौकों पर ये बात दोहरा चुके हैं। इसके लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। दूसरा अपडेट है अमेरिका से। इंडोनेशियाई आतंकी रिदवान इसामुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रिदवान के दो खास लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो गए हैं। रिदवान इंडोनेशिया के आतंकी संगठन जेमा इस्लामिया का लीडर रह चुका है। वो 2002 में बाली के एक नाइट क्लब में बम धमाके करने का आरोपी है। उस धमाके में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। रिदवान को 2003 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। उसे साउथ ईस्ट का ओसामा बिन लादेन भी कहा जाता है। एक दफ़ा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उसको दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक कहा था। 2002 वाले हमले में अब तक 3 मुख्य आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन आज हम रिदवान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? रिदवान के दो करीबी उसके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। ये दोनों भी रिदवान के साथ आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। उनके नाम है मोहम्मद नजीर बिन लेब और मोहम्मद फारिक बिन अमीन। दोनों मलेशिया के रहने वाले हैं। दोनों ने 2002 में बाली बम ब्लास्ट की साजिश रचने की बात कबूली है। दोनों पिछले 17 सालों से ग्वांतनामो की जेल में कैद हैं। वे क्यूबा में अमेरिका का मिलिट्री प्रिजन है। दोनों आतंकियों के खिलाफ कुल 9 आरोप लगाए गए थे, लेकिन फैसले में इन्हें 5 आरोपों का दोषी पाया गया है। सजा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। देश और दुनिया की और भी दिलचस्प खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभरात्रि।